रोशनी का इंतजाम ना हो तो रोशनी का इंतजाम कर दिया जाए। आवाज से मुराद यह है कि मस्जिद को दुनियावी गुफ्तगू के लिए नहीं मुंतखब किया जाए, बल्कि मस्जिद को हर उस चीज से बचाई जाए जिस चीज को करने से बंदे को मस्जिद के अंदर गुनाह दिखी जाए। आवाज से मुराद है। इसके एक पहलू को आप ये भी ले लें कि सबसे बेहतर तरीका और सबसे उम्दा तरीका यह है कि हर मस्जिद को बंदा अल्लाह की रजा के लिए अपने सदमों से आवाज करता हुआ नजर आए। सबसे उम्दा तरीका इसमें यह भी लेना है कि आवाज से मुराद यह है कि जिस मस्जिद मस्जिद का तामीरी काम नाफिस हो, बंदा या खुदा अल्लाह की रजा के लिए उसमें कुछ ना कुछ इमदाद करके उस मस्जिद को कामिल कर। आवाज से मुराद यह है। अब इरशाद फरमाता है इन नमाया मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाह वल यौम आखिर वअकाम अस्सलात वआत अस्सकात वलम यख्शा इल्लल्लाह। अब बताएं सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाता है या अपनी खास कार से तो लगा बड़े बड़े हुक्मरान ने अपनी हुकूमत को ठोकर लगा दी। कि आपने सुना होगा सच्ची हकायक किताब का नाम है खलीफा। हम उस महीने को अलविदा कह रहे हैं जिस महीने के बारे में हदीसे पाक में आता है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेंबर पर जब अपना कदम मुकद्दस को रखे तो आपने आमीन कहा। आपके मुकद्दस सहाबा इरशाद फरमाते या रसूलल्लाह आपने जो आमीन कहा इस आमीन को कहने की राज क्या है वजाहत फरमा दें। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि हजरत जिब्रील अमीन ने अल्लाह तबारक बता चलने लगे तो कसम खुदा की अगर अल्लाह के साथ सच्ची तौबा होगी तो अल्लाह तबारक बताना उस बंदे की तौबा को कबूल फरमाएगा और इंशाअल्लाह उताला वो बंदा दुनिया में भी मुस्कुराता हुआ नजर आएगा, आखिरत के मैदान में भी कामयाब नजर आएगा। आज हम अलविदा के लिए आए हैं, अलविदा कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाकर के ऐसे महीनों को हम अलविदा कह रहे हैं। कोई शक नहीं कि हमें खुशियां मनानी चाहिए, लेकिन याद रखें आप आज रमजान मुबारक वो मुकद्दस जो गुजर रहा है उससे हम अलविदा कह रहे हैं। जिसने रोजा रखा, नमाज की पाबंदी की, जिसने हम दो